लिए देश को बचाओ, बंगाल को बचाओ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मुट्ठी आपके थाली से चावल मांगने आए तो इसको एक मुट्ठी गोबर दे दो कि देख लो देश के नागरिकों की कितनी भाजपा को चिंता है। 65 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, लेकिन उफ तक है कितने मरे। कोई तुम भूखे हो, मरे हो, बारिश 4-5 दिन तक दिल्ली में बारिश बरसती रही, जरा भी आंख में शर्म ने मतलब किसी भी तरह की दया धर्म इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जरा 1% भी कोई मुझे बता दे, 1% कोई भारत का नागरिक बता दे। 65 आदमी हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, है जरा सी भी आंख में पानी कि हमारे देश के नागरिक हैं। इन्होंने ही हमें सत्ता दी है, इन्होंने ही हमें माथे पे बिठाया है। मर जाओ, क्या लेना देना है भाजपा को। तो क्या बंगाल के लोगों, आप क्या ऐसे एक आफत को बंगाल में प्रवेश करने दोगे अपने, जो आज पूरे भारत के नागरिकों का नाक में दम कर रखा है, जो मरे हैं बॉर्डर के ऊपर, वो भी हिंदू ही हैं, कुछ सिख हैं, कुछ हिंदू हैं, किसान भाई हैं हमारे, यही हिंदू हिंदू की बातें करते हैं ना। कितने हिंदू की शहीद हो चुके हैं, जरा भी अफसोस है? ये ऐसे सत्ता के लालची भूखे भेड़िए हैं कि ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, और सत्ता प्राप्त करने के बाद अपने पिता श्री अडानी और अम्बानी की गुलामी करेंगे, यही सच्चाई है। तो बचो बचो बचो, आप बचो इनसे, जितनी जल्दी हो इसको देश की सत्ता से बाहर का रास्ता आप सब दिखाओ, क्योंकि ये देश के लिए हितकारी पार्टी नहीं है। ये सिर्फ जाति धर्म मजहब के नाम पे, चाहे किसी भी चीज के नाम पे हो। याद है 2014 का लोकसभा चुनाव, उसमें 1-1 रुपए घर से मांगते फिरते थे ये। उसके बाद कैसे जनता की जेब खाली इन्होंने करी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे लूट रहे हैं ये जनता को, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये देश को बचाओ, बंगाल को बचाओ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मुट्ठी आपके थाली से चावल मांगने आए तो इसको एक मुट्ठी गोबर दे दो। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।